गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी यार? मैं मनीष मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अन अकेडमी गेट MEPIXE यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दीज आर माई क्रेडेंशियल्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। आई एम इन ऑल इंडिया रैंक 568 इन गेट 2015 एंड सिंस देन आई एम टीचिंग फॉर गेट एंड DSE। आई हैव अ क्यूम्युलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ नाउ मोर देन 6 इयर्स एंड द सब्जेक्ट दैट आई प्राइमरली डील विद आर मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस रिसर्च एंड मटेरियल साइंस। So my dear students, today is a brand new lecture. आज एकदम brand new ताज़ा lecture है। हम लोग आज welding start करने जा रहे हैं। Today we are about to start welding. So very good evening, Rishabh, Ritik, Abir, Deva, Adiv, couple of new names today, है ना? कुछ ऐसे नए नाम है जिनको मैं जानता नहीं। So they are not familiar. So no problem at all. चलिए session को start करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर, इस सीरीज पर अगर आप नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जल्दी से अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करिए और ये जो QR कोड आपको स्क्रीन पे दी हुई है, दिस QR कोड ऑन योर स्क्रीन राइट हियर, इसको स्कैन करिए मोबाइल फोन के कैमरा से। यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ डिस्कशन ग्रुप ऑन टेलीग्राम, जहां पर आपको मेरे क्लासेस के लाइव नोट्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको प्रैक्टिस कंटेंट मिलेगा, जहां पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाएंगे। सो दैट इज यूनिक अबाउट द डिस्कशन ग्रुप, ठीक है? तो फटाफट ज्वाइन करेंगे। सर, जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस आपने नहीं पढ़ाई, वो वाली स्किप करनी है क्या? देवा, जो प्रोसेस मैंने नहीं पढ़ाई है, आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। दे आर नॉट नेसेसरी एज फार एज द गेट एग्जाम इज कंसर्न और द ESE एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है? क्लियर है? चलिए गाइस, इफ यू आर प्लानिंग द अन अकेडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, याद रखिएगा भाई, इस बात को याद रखिएगा कि MMM10 कोड लगाकर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो आज ही इन्वेस्ट कर लीजिए अपने फ्यूचर पे MMM10 लगाकर 10% का डिस्काउंट पाकर। सो चालू किया जाए वेल्डिंग से, है ना? दोस्तों, आप सब जानते हैं वेल्डिंग क्या होता है, सही कह रहा हूं? कम ऑन, टेल मी, आप सब जानते हैं वेल्डिंग क्या होता है, राइट? ऐसा कुछ है नहीं वेल्डिंग में जो आपने एक्सपीरियंस ना किया हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि व्हेनेवर अ मैकेनिकल इंजीनियर और अ PI इंजीनियर एंटर्स इन द फर्स्ट ईयर, वो वर्कशॉप में ले जाकर, वर्कशॉप में शो ऑफ करके सबसे पहले वेल्डिंग करना ही सिखा देते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में हमने कुछ पढ़ा भी नहीं होता है वेल्डिंग के बारे में, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली फील देने के लिए, कास्टिंग वेल्डिंग सब अपने को फर्स्ट ईयर में ही करा दिया जाता है। ऑल्दो वी डिड नॉट हैड लर्नड एनी पार्ट ऑफ द थ्योरी एनीथिंग, ये सब अपने को लेटर आता है जब अपने को मैन्युफैक्चरिंग साइंस स्टार्ट होता है, ठीक है? तो वेल्डिंग जो है वो लैब में पहले जाके करा देते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, जयंता कुमार नारू, गुड इवनिंग, गौरव, गुड इवनिंग। अच्छा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो वेल्डिंग हम लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में करते हैं उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। दैट बेसिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। अब वेल्डिंग एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट इज वेल्डिंग? दोस्तों, वेल्डिंग एक मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस है, ठीक है? कई बार यहां मटेरियल की जगह आपको मेटल लिखा मिलेगा, बट ऐसा गलत है। नॉट नेसेसरी ऑलवेज अ मेटल, जरूरी नहीं है कि वेल्डिंग हमेशा मेटल्स की जाए, आजकल तो प्लास्टिक की भी वेल्डिंग की जाती है, ठीक है? सो वेल्डिंग इज बेसिकली अ मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस फॉर अ परमानेंट combining of two or more parts that involves melting and subsequent solidification of the material from two parts, thus forming a strong joint between them. क्या मतलब है इस बात का? दोस्तों, किसी भी दो material के बीच में, चाहे वो similar material हो, चाहे वो dissimilar material हो, similar कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने iron की एक plate ले ली, दूसरी plate भी मैंने iron की ले ली, तो ये दो similar material हो गए। अगर डिससिमिलर कहता हूं तो मान लीजिए एक एल्यूमिनियम का ले लिया, एक आयरन का ले लिया, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस सिचुएशन में दोस्तों मेरे पास दो अलग अलग मटेरियल है, तो उन दोनों मटेरियल को अगर मुझे एक परमानेंट जॉइंट के हेल्प से जनरेट करके जोड़ देना है, मुझे एक ऐसा जॉइंट जनरेट करना है दोनों के बीच में जो कि एक परमानेंट जॉइंट है, तो दोस्तों ऐसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने को हम लोग वेल्डिंग कहते हैं। दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वेल्डिंग प्रोसेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
जब भी हम लोग परमानेंट बॉन्डिंग या परमानेंट कॉम्बाइनिंग की बात करते हैं ना, तो दोस्तों ये वाली जो कंबाइनिंग है इसका एटॉमिक लेवल पे होना जरूरी है। इट शुड टेक प्लेस एट एन एटॉमिक लेवल। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे जब मैं किसी दो सरफेसेस को रिवेट कर देता हूं या मैं बोल्ट कर देता हूं, वो भी एक तरीके का ज्वाइनिंग प्रोसेस है, पर वो दोस्तों परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं है। इट इज अ टेम्पररी ज्वाइनिंग प्रोसेस। समझते चलिए ना मेरी बात को। रिवेट करना आप लोग समझते ही होंगे। रिवेट में क्या करते हैं भाई? रिवेट में अगर अपने पास ऐसी दो प्लेट है, यू हैव टू प्लेट्स लाइक दिस, और अपने को ये दो प्लेट्स को अगर होल्ड करना है तो ये दोनों प्लेट के बीच में एक होल कर देते हैं, और होल करने के बाद यहाँ पे एक रिवेट डाल देते हैं और उस रिवेट को ठोक देते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये रिवेटेड हो जाता है। दोस्तों रिवेटेड ज्वाइंट जो है ये भी एक तरीके का पकड़ने वाला ज्वाइंट है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ज्वाइंट, लेकिन माई डियर स्टूडेंट्स ये एक परमानेंट ज्वाइंट नहीं है। मैं कभी भी चाहूंगा तो इस रिवेट को तोड़ के खोल सकता हूं और दोनों प्लेट्स को सेपरेट कर सकता हूं, लेकिन वेल्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स इट इज अ परमानेंट जॉइनिंग मेथड। और परमानेंट जॉइंट तभी हो सकता है जब एटॉमिक लेवल पे जॉइनिंग हो जाएगी, व्हेन द जॉइनिंग प्रोसेस टेक प्लेस ऑन द एटॉमिक लेवल। ठीक है, तो दोस्तों वेल्डिंग का बाकी सारे जॉइनिंग प्रोसेस से डिफरेंशिएशन यही है कि वेल्डिंग के केस में हम लोग एटॉमिक लेवल पे बॉन्डिंग कर देते हैं। The basic fundamental difference between welding and other joining process is that कि in welding we make sure कि जो joint है it takes place on the atomic level. Atomic level पे joint generate हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो atomic level पे joint generate करने की बात है, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं दो atoms को पास लेकर आता हूँ, suppose करिए ये जो है iron का atom है and this is also an atom of iron. अब मैं इन दोनों आयरन के एटम को पास लेकर आऊंगा तो दीज टू आयरन एटम्स विल स्टार्ट रिपेलिंग इटसेल्फ। ये एक दूसरे को रिपेल करना चालू करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे। ये आप जानते हैं ना, टू लाइक एटम्स आर ऑलवेज गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो दोस्तों ये जो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स है, जब तक मैं इस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम नहीं करूंगा तब तक ये दोनों एटम को मैं एटॉमिक लेवल पे इनका बॉन्ड जनरेट नहीं कर सकता, वेल्डिंग नहीं कर पाऊंगा। तो वेल्डिंग करने के लिए मेरे को एटॉमिक लेवल पे जो इंटर एटॉमिक रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करने की जरूरत है। दोस्तों ये वाली जो फोर्स है इसको ओवरकम किया कैसे जाए? अरे या तो एक्सटर्नली इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए कि ये एटॉमिक फोर्स को ओवरकम कर दे, या फिर कोई दूसरे मेथड या मींस अपनाए जाएं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट द इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट द रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो जितने भी आप वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ेंगे ना, हर वेल्डिंग प्रोसेस में माई डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक लेवल पे बॉन्डिंग होना जरूरी है, और ये एटॉमिक लेवल की जो बॉन्डिंग है बेसिकली दो चीजों से ही अचीव की जा सकती है, वन इज हीट एंड द अदर वन इज प्रेशर। और कई सारे ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन भी रोल प्ले करता है। तो हम लोग जितने भी वेल्डिंग प्रोसेसेस पढ़ेंगे उसमें या तो भैया हीट का रोल होगा इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके एटॉमिक बॉन्ड जनरेट करने का, या फिर प्रेशर का रोल होगा उस हीट को ओवरकम करके एटॉमिक बॉन्ड जनरेट करने का। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीसरे जितने भी होंगे उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर विल बी देयर। ठीक है, गुड इवनिंग विश्वजीत, गुड इवनिंग प्रकाश चंद्र विश्वकर्मा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ज्यादा लेट नहीं हुए हो, यू हैव जॉइंड द पार्टी जस्ट ऑन टाइम। दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज अ बेसिक डायग्राम जहां पर मैंने दो मेटेलिक प्लेट्स को एक वेल्डेड सेक्शन के थ्रू या एक वेल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो है ज्वाइन किया हुआ है। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का जोन दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली द वेल्डेड जोन या वेल्ड जोन कहते हैं, और जो ये आपको सिल्वर कलर में दिख रहे हैं दे आर बेसिकली द पेरेंट मेटल, ये ओरिजिनल मेटल है। वेल्डिंग का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग वेल्ड फेस कहते हैं, और ये जो ऑरेंज जोन के आसपास का एरिया है, ये जो ऑरेंज जोन के आसपास का एरिया है जिसको मैंने अभी लगभग ब्राउन कलर में शेड कर दिया है, इसे हम लोग कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, हीट अफेक्टेड जोन।
दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द वेल्ड मेटल, दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ द वेल्ड, एंड दिस मिडल पार्ट वेयर द एंटायर मसाला हैज टेकन प्लेस, इसे अपन कहते हैं फ्यूजन जोन या फ्यूजन लाइन। आई होप आपको एक बेसिक ज्योमेट्री समझ में आ रही होगी, दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर में बेसिकली अलग 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 टाइप के वेल्डिंग प्रोसेसेस आपको दिखेंगे, कॉम्बिनेशन है। समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं, इस एक वीडियो के हेल्प से उस पूरे चैप्टर का आपको एक ट्रेलर मिल जाएगा। जैसे मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है ना, एंटायर मूवी के कुछ क्लिपिंग्स वगैरह वहां पे आपको दिखते हैं, तो इस छोटे से वीडियो में, 4 मिनट के वीडियो में, आपको इस पूरे चैप्टर में जितना कॉन्टेंट आने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक, एक ट्रेलर मिल जाएगा। तो लेट अस प्ले द ट्रेलर देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप कि आपके स्क्रीन पे ये परफेक्टली दिख रहा होगा। सो गाइज, नाउ यू कैन सी एक बेसिक सा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है। यहां पर देखिए दो सेक्शंस हैं और ये दोनों सेक्शंस को आर्क वेल्डिंग प्रोसेस से वेल्ड किया जा रहा है। दिस इज हाउ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये वेल्डिंग प्रोसेस हम लोगों ने अपने घर के आसपास की वेल्डिंग शॉप्स पे कभी ना कभी तो देखा होगा, ठीक है ना। समवेयर डाउन द लाइन यू मस्ट हैव एवर कभी ना कभी तो आप सबने देखा होगा। सो दिस इज बेसिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस गोइंग ऑन। हम लोग ये आर्क वेल्डिंग प्रोसेस को अच्छे तरीके से एकदम डीपली एनालाइज करके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह बना के पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो है एक तरीके का फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है और गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट 2021 में भी मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों सेशंस में आर्क वेल्डिंग से क्वेश्चंस आए हैं, और वेल्डिंग दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जस्ट नाउ यू हैव सीन आर्क वेल्डिंग। दोस्तों अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग गोइंग ऑन। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है। दोस्तों बेसिकली ये जो शीट मेटल है ना, उसको पीछे करता हूं मैं, थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें। ये देखिए यहां पर हो क्या रहा है दोस्तों, पता है। यहां पर ये जो कॉपर का आपको एक डिवाइस दिख रहा है ना, पेन जैसा ये डिवाइस जो आपको दिख रहा है, दिस पेन लाइक डिवाइस दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, ये पेन लाइक डिवाइस जो है ये फोर्स भी जनरेट कर रहा है और साथ में एक बहुत लार्ज करंट पास कर रहा है, और उस करंट के पास होने की वजह से इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही है कि वो शीट मेटल आपस में जहां जहां पर भी हम लोग वो प्रेसिंग कर रहे हैं और करंट पास कर रहे हैं, मटेरियल मेल्ट होके वेल्ड हो जा रहा है दोस्तों। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, और इस प्रोसेस को भी हम लोग गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वी विल बी लुकिंग इनटू डीप ऑन दीज टू टॉपिक्स, जहां पर हम लोग इसका पूरा एनालिटिक्स देखेंगे, अपन फॉर्मूले डिराइव करेंगे, वी विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, वी विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट केम इन द गेट एग्जाम। हां हां, आग बाग मत देखना वरना आग फूट जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो दिस इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग गोइंग ऑन। यहां पे कोई चिंगारी विंगारी नहीं है आर्क वेल्डिंग की तरह, लेकिन मस्त वेल्डिंग हो जा रही है। देखिए ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है, दोनों रोलर्स मूव कर रहे हैं और करंट पास करने की वजह से वो हीट जनरेट हो रहा है और एकदम सीमलेसली वेल्ड हो जा रहा है। दोस्तों कार्स वगैरह के अंदर में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अंदर में इसी प्रोसेस के हेल्प से वेल्डिंग की जाती है। ये देखिए यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है। दोस्तों ये जो अब आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग है। यहां पर अपन ऑक्सीड एसिटिलीन के हेल्प से एक फ्लेम जनरेट कर रहे हैं और इस फ्लेम के हेल्प से अपन दो सरफेसेस के बीच में हीट सप्लाई करके उनको मेल्ट कर देंगे। देखते चलिएगा, आप वीडियो देखेंगे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एज यू कैन सी इट इज अ ब्लू फ्लेम, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है ये एसिटिलीन टॉर्च, ठीक है। और लेकिन देखिए अलग अलग प्रोसेस में चीजें अलग अलग हो रही है। एक जगह पे इलेक्ट्रोड के हेल्प से आर्क जनरेट करके काम बन रहा था, चिंगारी दिख रही थी, किसी ने बोला कि यार चश्मा लगा लो वरना आंख फूट जाएगी। उसके बाद एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग था, वहां पे तो कुछ दिखाई नहीं क्या हो रहा है क्या और नहीं हो रहा है। यहां पर अपने को कम से कम एक फ्लेम दिख रही है, जहां पर गैस के हेल्प से फ्लेम जलाई जा रही है।
ठीक है, तो ये ग्लास की जो फ्लेम है गरम गरम, इसको ऐसा दो मेटल के बीच में अपन डाल के मूव करते जाएंगे तो मेटल जो है वो वेल्ड होके चिपकने लगेगा और उसी को अपन वेल्डिंग कह देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, रंगास्वामी पेरुमल्ला, जो वो प्रोसेस अभी आपने देखा ना, सीम में वेल्डिंग हो रही थी, रोलर्स मूव कर रहे थे, उसको सीम वेल्डिंग कहते हैं। यस विश्वजीत, हम गैस से कटिंग भी करते हैं और उसको भी हम लोग वेल्डिंग में देख लेंगे। वी विल टेक अ लुक एट दैट इन वेल्डिंग ऑल्सो, गैस कटिंग कैसे करते हैं वो भी हम लोग वेल्डिंग में देखेंगे। ठीक है, चलिए नाउ देखो दोस्तों, यहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग हो रही है। मैंने आपको याद होगा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडियन रेलवे को जितना भी रेल ट्रैक बनाकर मिलने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारा का सारा भिलाई स्टील प्लांट को मिला हुआ है। मैं भिलाई में रहता हूँ, मैं बचपन से भिलाई में रहा हूँ, मेरे ग्रैंडफादर ने भिलाई स्टील प्लांट में जॉब किया है, मेरे फादर ने भिलाई स्टील प्लांट में जॉब किया है, मैंने नहीं किया भाई, है ना, मैंने नहीं किया। मेरा कोई शौक नहीं था कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में जाके दिन रात खड़े होकर पसीना टपका हूँ, ठीक है ना। तो हालांकि मैंने एग्जाम लिखा था सेल का, मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग का एग्जाम मैंने दिया था और वो एग्जाम भगवान की दया से क्लियर नहीं हुआ था, अदरवाइज मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे भिलाई स्टील प्लांट में ही नौकरी करने भेज देते। तो बचपन से ही दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस जैसा रहा है। ऐसा गांव से जो भी रिश्तेदार आते थे सबको मेरे दादाजी या मेरे पिताजी जो है वो पास बनवा के भिलाई स्टील प्लांट दिखाने लेके चले जाते थे कि आइए देखिए लोहा बनता कैसे है, कैसे स्टील बनता है। समझ रहे मेरी बात को? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में भिलाई शहर में स्थित है। दोस्तों ये प्लांट जो है इसकी खासियत ये है कि इंडियन रेलवे को जितना भी रेल ट्रैक का डिमांड है, इंडियन रेलवे जितना भी रेल ट्रैक्स का कंजम्पशन है, वो सारा का सारा इस एक शहर से, इस एक स्टील प्लांट से सप्लाई होता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी भिलाई स्टील प्लांट का स्टील जो है जाता है। अभी जितने भी इंडिया में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं भिलाई स्टील प्लांट का स्टील यूज हो रहा है। डीआरडीओ जो एक नए सबमरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसकी प्लेट्स, सरफेस प्लेट्स जो है उसको स्पेशली भिलाई स्टील प्लांट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट में बनाकर भेजा गया है एंड इट गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो। और भिलाई स्टील प्लांट के अंदर प्लेट मिल लगा के झकाझक प्लेट्स बनाई जा रही हैं ताकि वो सबमरीन के लिए दी जा सके, ठीक है। सो इट इज अ वेरी स्पेशल प्लेस, भिलाई स्टील प्लांट इज अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। अब दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट का रेल ट्रैक का कंजम्पशन क्यों इतना ज्यादा है, ऐसा भिलाई स्टील प्लांट के रेल ट्रैक्स में क्या है? दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में एक स्ट्रेच में 240 मीटर की रेल ट्रैक बनाने की फैसिलिटी है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो फैसिलिटी है भिलाई स्टील प्लांट के लिए खास है, क्योंकि इंडिया में जितने अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास मैक्सिमम 60-80 मीटर का एक लेंथ का बना हुआ रेल बनाने का फैसिलिटी है, भिलाई स्टील प्लांट के पास 240 मीटर का है। अब रेलवे क्यों प्रिफर करता है 240 का? देखो होता क्या है दोस्तों कि रेलवे को जब ट्रैक्स बिछाने होते हैं तो इस तरीके से दो ट्रैक्स के बीच में थर्मिट वेल्डिंग करनी पड़ती है। लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन कैसे होता है थर्मिट वेल्डिंग। नो, भिलाई इज नॉट अ कोस्टल सिटी, भिलाई इज नॉट अ कोस्टल सिटी। देखिए दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे इन द वीडियो, यू कैन क्लियरली सी कि यहां पे दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में कुछ स्पेस है। लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो इन दैट मोमेंट। ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि दोनों रेलवे ट्रैक्स के बीच में कुछ गैप है। कैन यू सी दिस गैप? दोस्तों ये गैप बहुत डेंजरस है, इस गैप को फिल करना पड़ता है। अब इस गैप को फिल कैसे किया जाता है? देखिए दोनों ट्रैक्स को होल्ड करके एक कास्ट यहां पे डाली जाती है, एक कास्ट ऐसी डाली जाती है। नाउ आई विल क्लियरली शो यू हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, आई विल क्लियरली शो यू हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा वीडियो में कितना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए गरम गरम मटेरियल जो है उसको पोर कर दिया जाएगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये गरम गरम मटेरियल पोर कर दिया गया, एक्स्ट्रा मटेरियल ओवरफ्लो होके टब में कलेक्ट हो गया। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम सॉलिडिफाई कर गया तो यहां पे हम लोगों ने पूरे के पूरे सिस्टम को ओपन कर लिया, सब कुछ निकाल के हटा दिया, ठीक है।
ये 5 मिनट के बाद सारी चीजें जो है रिमूव कर दी गई है. नाउ रिमूव करने के बाद आप देखिए क्या बचता है, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर रिमूवल. दोस्तों रिमूवल करने के बाद ये छोटा सा पार्ट बचता है और ये देखो ये कौन सी मशीन है दोस्तों, मिलिंग कटर है या ग्राइंडिंग कटर है. और इससे अपन ने क्या किया, रफ एजेस को रिमूव कर दिया और फाइनली देखो ये जो बीच में था ये आपका वेल्डेड सेक्शन आपको मिल गया. ठीक है, सो दैट इज थर्मिट वेल्डिंग. मैं आपको ये छोटा सा ट्रेलर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. दीज आर द शॉर्ट क्लिपिंग्स ऑफ दोस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेसेस. देखिए दोस्तों ऐसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दो शाफ्ट्स को रोटेट किया जा रहा है बहुत तेजी से और रोटेशन के टाइम पे दोनों को कॉन्टैक्ट में ला दिया गया है. और इस रोटेशन के साथ कॉन्टैक्ट की वजह से होता क्या है कि एक्सेसिव हीट जनरेट होती है, एक्सेसिव हीट. ठीक है, और इस एक्सेसिव हीट जनरेशन की वजह से मटेरियल अपने आप वेल्ड होने लगता है. माय डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल देखिए ये जो रेड हॉट मटेरियल है ना, ये एक तरीके से साथ ही साथ वेल्ड होते चला जा रहा है. अब इसको थोड़े देर के बाद रोक दिया जाएगा और धीरे 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 ठंडा होने के छोड़ दिया जाएगा और ये वेल्डिंग हो जाएगी. इस वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस. दिस इज द बेसिक फेनोमेना ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस. ठीक है, तो दैट वाज द ट्रेलर. इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको एक छोटा सा झलक दिखाया है कि हम लोग पूरा चीजें कैसे पढ़ेंगे. सो इन अ स्मॉल ट्रेलर आई जस्ट ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट. चलिए आगे बढ़ता हूं, लेट मी जस्ट मूव ऑन. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं उम्मीद करता हूं. दोस्तों ये जो है, हालांकि जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेल्ड जॉइंट, इस टॉपिक को अगर मैं नहीं भी पढ़ाता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टॉपिक को आप लोग मशीन डिजाइन में भी पढ़ोगे. बेसिकली वेल्ड जॉइंट जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं, बट जॉइंट, टी जॉइंट, कॉर्नर, लैप और एज. बट जॉइंट क्या होता है दोस्तों, यहां पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने दो प्लेट्स को लिया और बीच में वेल्ड कर दिया. जैसे कि आपको मैं यहां पर जूम करके दिखाता हूं, यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड दिस. अगर मैंने ये दो प्लेट्स को लिया और दोनों प्लेट्स को लेने के बाद ये जो बीच वाला सेगमेंट है यहां से अगर वेल्ड कर दिया तो इस जॉइंट को हम लोग बट जॉइंट कहते हैं. दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज बट जॉइंट. माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई कंप्लीटली मूव ऑन एंड टेक अ लुक एट दिस अरेंजमेंट, जहां पर एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रख दिया जाता है और यहां पर वेल्डिंग कैसे होती है दोस्तों, यहां पर जो वेल्डिंग है वो ये वाले जगह पे होती है, एक ये वाले जगह पे और एक नीचे वाले जगह पे. ठीक है ना, तो इस टाइप के जॉइंट को अपन लैप जॉइंट कहते हैं. फिर उसके बाद अगर दोनों प्लेट्स को टी शेप में रख दिया जाए, जस्ट लाइक दिस फिगर गिवन हियर, ये अगर टी शेप में ऐसा रख दिया जाए और टी शेप में रखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं एक वेल्ड यहां पे लगा दूं और एक वेल्ड यहां पे लगा दूं अपोजिट साइड में, तो इसको टी जॉइंट कहते हैं. आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट, एक प्लेट ऐसी, दोनों को मैंने एक वेल्ड यहां पे मार दिया, एक वेल्ड अंदर की ओर मार दिया, तो इसे आउटसाइड या कॉर्नर जॉइंट कहते हैं. और लास्ट है दोस्तों एज जॉइंट करना. एज समझते हैं ना, यहां पर ये अपनी एक एज है, ये जो ब्लैक लाइन को मैं मार्क कर रहा हूं ये अपनी एक एज है. अगर मैंने इस एज के ऊपर वेल्ड कर दिया तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज, या दिस टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट इज कॉल्ड एज एज जॉइंट. इसको एज जॉइंट कहते हैं. ठीक है, चलिए तो ये इतना सा बेसिक है, इसमें आपको और डीप जाने की जरूरत नहीं है. हमको मशीन डिजाइन में घुस के यहाँ पे एक एक वेल्ड जॉइंट का स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है. लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर बारिश हो रही है यार, बाहर बारिश हो रही है, मेरे को डर लग रहा है लाइट वाइट करंट बिजली ना चली जाए. ठीक है, चलिए तो सुनते चलिएगा मेरी बात को ध्यान से, दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ. आप लोग मशीन डिजाइन में एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स. ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी हो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट्स. दोस्तों ये चैप्टर में आपको पढ़ना क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा. जब भी अपन किसी दो मटेरियल को वेल्ड करते हैं ना, तो वो दो मटेरियल का वेल्ड करने के बाद जो स्ट्रेंथ होता है वो बदल जाता है. क्या मतलब है इस बात का दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये जो प्लेट है ये आयरन की प्लेट है और ये वाली जो प्लेट है ये मान लीजिए एल्यूमिनियम की प्लेट है. सुनते चलिएगा दोस्तों, अगर मुझे कोई ये आयरन की प्लेट दे देगा और बोल देगा यार इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि अगर मैं एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे इस आयरन की प्लेट का टेंसाइल टेस्ट करूंगा, इस आयरन की प्लेट का अगर टेंसाइल टेस्ट करूंगा, खींचूंगा, तो 500 मेगा पास्कल या 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के
स्ट्रेस इंड्यूस होने पे, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होने पे ये आयरन की प्लेट फट के निकल जाएगी। दोस्तों इस तरीके से अगर मैं इस एल्यूमिनियम का आपको बता दूं कि यार इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो आपको पता है कि जब आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एल्यूमिनियम को खींचेंगे तो जिस समय इस एल्यूमिनियम के अंदर में 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम का प्लेट फट के निकल जाएगा दोस्तों, एकदम चीर बीच से फट जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? लेकिन अगर मैंने इसी एल्यूमिनियम और आयरन को वेल्ड कर दिया, ये सेगमेंट में क्या किया, वेल्ड कर दिया, तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज तो ये, ना 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, ना 400 होगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ये 500 से भी कम होगा, 400 से भी कम होगा, अगर वेल्डेड जॉइंट का स्ट्रेंथ बेस मेटल से कमजोर हुआ तो। अगर वेल्डेड जॉइंट का स्ट्रेंथ बेस मेटल से मजबूत हुआ तब तो भैया आप बोलेंगे कि ये 400 में फेल हो जाएगा, क्योंकि एक एल्यूमिनियम है ना जो 400 में फेल हो सकता है, तो वहीं से फेलियर चालू हो जाएगी। लेकिन वेल्डेड जॉइंट का स्ट्रेंथ अगर दोस्तों 300 हुआ तो फिर मैं बोलूंगा कि ये प्लेट का स्ट्रेंथ अब 300 है, क्योंकि 300 का स्ट्रेस इंड्यूस होने पे ये प्लेट फट सकता है। बट इसमें से ज्यादा अपने को और डीप उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग मशीन डिजाइन के अंदर में ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर मशीन डिजाइन, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। चलिए आगे बढ़ता हूं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ जॉइंट, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कि जो जॉइंट हमने क्रिएट किया है, जो जॉइंट हमने क्रिएट किया है, उस जॉइंट का कंपोजिशन, उस जॉइंट को बनाने के लिए क्या मटेरियल यूज किया गया है, उसमें क्या मिलाया गया है, क्या एग्जिस्ट करता है उसमें मटेरियलिस्टिक लेवल पे जॉइंट में, उस बीच के सेक्शन पे, वो चीज के बेसिस पे यहां पे वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों वेल्डिंग जो है उसे बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ जॉइंट तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ऑटोजिनस, होमोजिनस और हेट्रोजिनस। अब ये होता क्या क्या है? अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लाइक बटन को तोड़ तोड़ के दबा देना, तोड़ तोड़ के दबा देना, और सेशन को कर देना शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री में गजब तरीके से मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने का मौका मिल जाए। समझ रहे ना मेरी बात को? अरे बाप रे, जोरदार बारिश हो रही है। चलिए, तो दोस्तों कॉम्पोजिशन के बेसिस पे ऑटोजिनस वेल्डिंग का मतलब क्या है? मतलब यह है दोस्तों कि अगर मैं यहां पर किसी प्रकार के कोई फिलर मटेरियल का इस्तेमाल ना करूं तो ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस को ऑटोजिनस वेल्डिंग कहते हैं। जितने भी प्रकार की सॉलिड फेस वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल है ऑटोजिनस वेल्डिंग का। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये जो ऑरेंज वाला जोन है ना, ये जो बीच में ऑरेंज वाला जोन क्रिएट किया गया है, इस ऑरेंज वाले जोन को क्रिएट करने के लिए अपने को एक्सटर्नल तरीके से हीट सप्लाई करनी होती है। वी हैव टू सप्लाई हीट। ये तो अपने को पता है कि अगर अपन हीट सप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों मटेरियल है ये अपने मेल्टिंग टेम्परेचर पे पहुंच के मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके आपस में ऐसा मिक्सअप होके बाद में ठंडा होके सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, वेल्डिंग हो गई है। लेकिन दोस्तों अभी आप ध्यान से देखिएगा एक चीज, जस्ट टेक अ गुड लुक एट द वीडियो। रंगास्वामी, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवे नेटवर्क, कैरेजेस बनाए जाते हैं, स्पेशल कैरेजेस आर देयर, एक एक चार चार छह छह लंबे लंबे कैरेजेस पे एक एक रेल पटरी रखी जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पर ये अपने दोनों बेस मेटल है, ये दोनों बेस मेटल है, समझ रहे हैं? मतलब मान लीजिए कि ये जो है आपका आयरन है, दिस इज योर आयरन एंड दिस इज ऑल्सो आयरन, दोनों आपका Fe है, ठीक है, सुनते चलिएगा बस मेरी बात को, दोनों Fe है। अब आप प्रोसेस को जरा ध्यान से देखिएगा, टेक अ वेरी गुड लुक एट द प्रोसेस। ये अपन ने सरफेस को क्लीन किया अच्छी तरीके से, गंदगी उसमें से पूरा बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, जिसके हेल्प से वेल्डिंग हो रही है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोड छोटा होता जा रहा है। देखिए, ये इलेक्ट्रोड छोटा होता जा रहा है, मैं इस इलेक्ट्रोड को अंदर की तरफ दबा रहा हूं और वो इलेक्ट्रोड मेल्ट होके छोटा हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? मतलब ये जो आपको यहाँ पे काला काला मटेरियल दिख रहा है ना, द ब्लैक मटेरियल दैट यू पीपल आर सीइंग राइट हियर, ये असल में मेल्टेड इलेक्ट्रोड है दोस्तों।
वो इलेक्ट्रोड जो है वो एक ऐसे मटेरियल का था जो यहां पर मेल्ट हो गया और मेल्ट होके उसने उस गैप को भर दिया और वेल्डिंग कर दिया यहां पे। समझ में आ रही मेरी बात? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दोस्तों ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस को, ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नॉन ऑटोजिनस। ऑटोजिनस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोजिनस तो वो है जहां पे फिलर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मतलब हीट सप्लाई करके वो दोनों बेस मेटल को मेल्ट करके अगर मैं जोड़ देता, दोनों आयरन की जो प्लेट थी उसी को मेल्ट करके चिपका देता, तो वो कहलाता ऑटोजिनस। बाहर से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल को लगाने की जरूरत अगर ना पड़े, सो दैट इज ऑटोजिनस वेल्डिंग। लेकिन माय डियर मुन्ना, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर आपने बाहरी मटेरियल लगा दिया, फिलर मटेरियल लगा दिया, तो उसको हम लोग या तो होमोजीनियस बोलते हैं या हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अब ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है? सर ये बाद में स्ट्राइक क्यों करते हैं? सर ये क्या बाद में स्ट्राइक क्यों करते हैं? मतलब सर ये बीडी में स्ट्राइक क्यों करते हैं? अभी मन्नत गिल्लन, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? कैन यू बी मोर स्पेसिफिक? थोड़ा डायरेक्ट पूछोगे क्या बेटा? सर ये बीडी में स्ट्राइक क्यों करते हैं? नहीं समझ में आ रहा यार। चलो आगे देखते हैं, आप पूछ लेना फिर से, ठीक है? चलिए, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या कॉन्सेप्ट है वेल्डिंग के बाद? अच्छा, अरे वेल्ड सेक्शन के अंदर में जो आपने वेल्ड सेक्शन बनाया है उसको ठोकना क्यों करते हैं, मार क्यों रहे हैं उसको मेटल प्लेट से? तो उसको इसलिए मार रहे हैं ताकि वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए, और कोई सेगमेंट नहीं है, ठीक है? व्हाई दे आर रबिंग? ओके समझ गया मैं, रबिंग करते हैं गंदगी हटाने के लिए, क्योंकि गंदगी अगर रह गई तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, बाद में वेल्ड सेक्शन को खराब कर सकती है, ठीक है? चिंता मत करो यार, ये सब पढ़ाया जाएगा, ऐसे कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है दोस्तों? होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का मतलब है कि फिलर मटेरियल का इस्तेमाल होगा, फिलर मटेरियल विल बी देयर। लेकिन होमोजीनियस शब्द से आप क्या समझते हैं? होमोजीनियस का मतलब होता है होमोजीनिटी। होमोजीनिटी मतलब क्या? कि अगर दोनों आयरन थे ना, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से मेल्ट करके वहां पे डाला है फिलर मटेरियल, वो भी आयरन होना चाहिए दोस्तों, वो भी आयरन होना चाहिए। अगर सब आयरन आयरन की कहानी चल रही है, तब तो मैं बोलूंगा कि मटेरियल क्या है, मटेरियल होमोजीनियस है, या वेल्ड सेगमेंट कैसा है, होमोजीनियस वेल्डिंग हुई है। लेकिन दोस्तों अगर होमोजीनियस नहीं हुई, फिलर मटेरियल कंप्लीटली कुछ दूसरा ही था, दोनों बेस मेटल से मैच ही नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। और दोस्तों फेमस हेट्रोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। सोल्डरिंग ब्रेजिंग कहाँ देखा है आपने? सोल्डरिंग ब्रेजिंग, अरे वो जो इलेक्ट्रिकल शॉप में वो हरे रंग की बोर्ड होती है ना, और उनके पास ऐसा एक पेन वाला होता है, ऐसा उसको ऐसा चर चर मार के फूंक के फिर ऐसा रंग देते हैं, दोस्तों वो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, और उसको अपन हेट्रोजीनियस वेल्डिंग के अंदर में काउंट करते हैं। आई होप कि आप लोग एटलीस्ट रिलेट तो कर पा रहे होंगे अभी तक कि क्या चीजें चल रही हैं। आई होप कि आप लोग रिलेट तो कर पा रहे होंगे। यस गौरव, पीसीबी सर्किट्स, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस रंगा स्वामी, वेरी नाइस गौरव, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए हाँ, मोबाइल में करते हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस जयंता, देखा है मतलब आप लोगों ने। थोड़ा पानी पी लिया जाए यार, लगातार बोलते बोलते गला सूख गया है मेरा। बाल इतने बढ़ गए हैं, पूरा चोमू दिख रहा हूं, बट क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है भाई, डेढ़ महीना हो गया लॉकडाउन भिलाई रायपुर में। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ द वेल्ड जॉइंट, वेल्ड जॉइंट के स्टेट के बेसिस पे, मतलब क्या है इस बात का दोस्तों? इस बात का मतलब ये है कि जो वेल्डिंग सेक्शन है, यानी कि ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में मटेरियल का स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, कि कुछ और ही है, तो इसके स्टेट के बेसिस पे भी
क्लासिफिकेशन है वेल्डिंग की. तो बेसिकली देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द बेस मटेरियल ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस. सबसे पहला है दोस्तों लिक्विड स्टेट वेल्डिंग. सबसे पहला क्या है? लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है. तो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग क्या है दोस्तों? अरे यहां पर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना, यहां पर जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा था, यहां पर जो अपना फिलर मटेरियल था, जो अपना फिलर मटेरियल था दोस्तों, ये देखिए ये अभी मोल्टेन स्टेट में था और थोड़े देर के लिए छोड़ने के बाद सॉलिडिफाई हो गया. बेसिकली दिस मटेरियल वॉज इन मोल्टेन स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट. सिमिलरली माई डियर फ्रेंड्स, ये जो ये वाली वेल्डिंग प्रोसेस हो रही है ना, यहां पर भी इतनी हीट सप्लाई की जा रही है कि मटेरियल मेल्ट हो जाए, मेल्ट होके मोल्टेन स्टेट में चला जाए और वेल्ड कर जाए भाई, मेल्ट होके मोल्टेन स्टेट में जाके वेल्ड कर जाए. सिमिलरली दोस्तों यहां पर भी ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च को जलाकर यहां पे इतनी हीट सप्लाई की जा रही है कि दोनों प्लेट जो है मेल्ट हो जाए और मेल्ट करके एक वेल्ड ज्वाइंट क्रिएट कर ले. सो एवरीवेयर एज यू कैन सी कि यहां पर लिक्विड स्टेट जो एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट इज डेफिनेटली एग्जिस्टिंग. बट दोस्तों इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर दोनों मटेरियल जो है ये हीट की वजह से सिर्फ ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, यहां पर दोनों के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया जा रहा है, रोटेट करके हीट जनरेट की जा रही है पर एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया जा रहा है. इसे अपन फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं. डेफिनेटली फ्रिक्शन वेल्डिंग में हीट तो जनरेट होती है लेकिन मटेरियल सॉलिड स्टेट में ही रहता है दोस्तों, ठीक है. तो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का मतलब यह होता है कि वेल्ड सेक्शन जो है वो लिक्विड स्टेट पे आ जाएगा. और इसके बेहतरीन एग्जांपल्स हैं फ्यूजन वेल्डिंग, और फ्यूजन वेल्डिंग के अंदर एग्जांपल है आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाए. आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. सिमिलरली दोस्तों सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का मतलब है कि मटेरियल सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, मटेरियल वेल्डिंग स्टेट पे मोल्टेन स्टेट पे नहीं जाएगा. प्रेशर वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के. इसके अलावा एक और है जिसे अपन कहते हैं सोशल स्टेट. दोस्तों सोशल स्टेट का मतलब क्या होता है? हम लोग कब कहते हैं कि सोशलाइज हो जाइए, आपके समाज में जितने भी तबके के लोग हैं विदाउट एनी डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, उसके बगैर लोगों से सोशलाइज करिए. मतलब क्या है? अरे मटेरियल दो तरीके से अपने आप को दो फेज में रख सकता है, एक तो सॉलिड स्टेट में, एक लिक्विड या मोल्टेन स्टेट में. तो सोशल स्टेट में दोनों चीज है, सॉलिड भी है प्लस लिक्विड भी है. क्या है? सॉलिड भी है और क्या है भैया? लिक्विड भी है. बोथ द स्टेट्स आर एग्जिस्टिंग, सॉलिड प्लस लिक्विड बोथ आर देयर. तो इसके एग्जाम्पल है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग. सोल्डरिंग और ब्रेजिंग क्यों पता है दोस्तों? ये जो सोल्डरिंग प्रोसेस होती है ना, इसमें लेड और टिन, PBSN, लेड टिन का एलॉय इस्तेमाल किया जाता है. लेड टिन का क्या इस्तेमाल किया जाता है? एलॉय इस्तेमाल किया जाता है. और इसीलिए दोस्तों अपन इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो एलॉय है वो बेस मेटल से डिफरेंट है और लेड और टिन दोनों उसमें मिक्स है. तो मटेरियल तो अलग हो ही गया भाई, मटेरियल तो अलग हो ही गया. सर थर्मिट वेल्डिंग में तो हम प्रेशर और करंट पास करते हैं, तो फिर सॉलिड वेल्डिंग में होना चाहिए ना? यश बिल्कुल परेशान मत हो, जब मैं थर्मिट वेल्डिंग पढ़ाऊंगा ना तब आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये प्रोसेस ऐसा है और किस लिए है. अभी मैंने बस आपको एक ट्रेलर दिखाया है कि यार थर्मिट वेल्डिंग हो रही है, अभी उसको डिस्कस करके हम लोग ना टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि मैं डीप में तो पढ़ा नहीं पाऊंगा थर्मिट वेल्डिंग इस समय. सो आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस व्हेन आई विल टीच थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है, क्लियर है. चलिए ये क्या लिखा, हीट में कैसे सर, प्लीज सर एमसीक्यू कराना. अरे कृणाल पटेल भाई बिल्कुल एमसीक्यू कराएंगे, काहे चिंता कर रहे हो यार, बिना एमसीक्यू कराए थोड़ी ना अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ये कौन है? अननोन दोस्तों, हिट में कैसे सर क्या पूछ रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और स्पेसिफिकली पूछ भाई. सुनो ना, तो यहां पे ना लेड और टिन का एलॉय यूज होता है और दोस्तों ये लेड टिन एलॉय जो होता है ना, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन पे,
मतलब एक लेड की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, लेड की पर्टिकुलर मात्रा और टिन की पर्टिकुलर मात्रा को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके जब आते हैं ना, तो उसको अपन कहते हैं लेड टिन सोल्डर। और वहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज को एग्जिस्ट करता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज को एग्जिस्ट करता है। सर 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 अब ये क्या है भाई? अरे अननोन दोस्तु सर के आगे भी तो कुछ बोल। सर 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 में गाड़ी अटक गई क्या? चलिए समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही मेरी बात। सो गाइस दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन जो है, हालांकि और भी तरीके से किया जा सकता है, बट दीज आर द प्राइम क्लासिफिकेशंस। और इसके बेसिस पे हम लोग अपने आगे का जितना भी कहानी है उसको समझ सकते हैं। तो आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। सर कैन यू प्रोवाइड सम मटेरियल फॉर HPCL एंड HACL रिगार्डिंग प्रोडक्शन एज इट इज अ वेरी वास्ट एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट। उत्कर्ष मैं प्रोवाइड तो कर सकता हूं, बट कल आप लोगों को पता है ना, कल 2 बजे दिन में हमारी और आपकी मीटिंग है। आई एम गोइंग टू हैव अ मीटिंग विद यू गाइस। ये मेरे ख्याल से अन अकेडमी की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा कि कोई एजुकेटर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग कर रहा है। और इस मीटिंग का टाइमिंग 2 बजे है, और उसका लिंक जो है ये पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में। तो आपको एक एक लिंक दिख रहा होगा ना, अन अकेडमी गेट MEPIXE के द्वारा एक लिंक दिया हुआ है unacademy.com/ करके। बेटा उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग उस मीटिंग के लिए एनरोल कर लीजिए। सिंपली एनरोल फॉर दैट मीटिंग, क्योंकि वो 2 बजे की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। मैं उस 2 बजे की मीटिंग के हेल्प से नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे का आप लोगों का और अपना कंबाइन पूरा शेड्यूल बना दूंगा। मैं सैटरडे की कल की 2 बजे की मीटिंग में आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं या वो कौन सा एरिया है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊं। दोस्तों वही टॉपिक्स, वही एरिया जो है अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे तक कवर किया जाएगा, और फिर सैटरडे को 2 बजे एक मीटिंग रखी जाएगी ताकि अगले मंडे टू फ्राइडे का पूरा सीन कवर किया जा सके। ऐसे करके हर सैटरडे को मीटिंग करके हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि हम लोग किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, वेयर वी आर हेडिंग। ठीक है, अगर मैं आपको वेल्डिंग पढ़ा रहा हूं दोस्तों और आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है या मुझे किसी तरीके से और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या आपको कुछ और चीज की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, या आपको कोई दिक्कत आ रही है, सो एवरीथिंग एनीथिंग यू कैन डिस्कस विद मी ऑन दैट मीटिंग। लेकिन मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा रहेगा कि नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे तक आप लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं उसके फ्री लेक्चर्स की मैं लाइव लेसन्स जनरेट करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा, और आपको बाय डिफॉल्ट उसी टाइम पे वो लिंक ओपन करके क्लास को लाइव एंजॉय कर लेना है। ये मेरा मोटो है। सो ये जो मीटिंग है ये हम दोनों के लिए बेनिफिट है, मेरे लिए बेनिफिट है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या चाहिए और मैं आपको एग्जैक्टली वो चीज प्रोवाइड कर सकूं जो आपको रिक्वायर्ड है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितने लोग भी फ्री में अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस के हेल्प से प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस वे यू कैन मैक्सिमाइज योर बेनिफिट्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोग देन कंटिन्यूटी इज लॉस्ट। सर सर इफ द गैप्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स आर वेल्डेड देन व्हाट अबाउट थर्मल? एग्जैक्टली आद्या तपस्विनी भाई, यहां बैठे बैठे इसने तो एकदम मतलब गजब डाउट पूछ दिया बेटा। इसीलिए तो ना ये जो थर्मल एक्सपांशन होता है ट्रैक्स में ना, रेलवे को अपने एम्प्लॉयज को भेजकर इन टेम्परेचर वेरिएशंस के, मौसम के वेरिएशंस के बेसिस पे इन थर्मल एक्सपांशंस को रेगुलेट करना पड़ता है, उनको भेजने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयज, और ट्रैक्स को लूजन अप या टाइटन अप करना पड़ता है ताकि वो जो एक्सपांशन हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। समझ में आ रही मेरी बात? वरना ट्रैक्स के अंदर में क्रैक्स पड़ जाएंगे जिससे रेलवे के बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जान माल का नुकसान हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? इसीलिए रेलवे चाहता है कि भाई उनको एकदम फ्लैट ट्रैक मिले जहां पर ये सेक्शंस जो हैं कम से कम एग्जिस्ट करें। दैट्स व्हाई भिलाई स्टील प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और दूसरे किसी फैसिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा ना वो रेलवे के एम्प्लॉयज ऐसा ऐसा वो एक गाड़ी चलाकर जाते हैं और वहां जाके सब चीजें चेक करते हैं। दोज आर द पीपल हु डू ऑल दीज मीनियल जॉब्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लियर है? हाँ रंगा स्वामी क्या हो गया?
रंगास्वामी पेरुमल्ला इज सेइंग देन कंटिन्यूटी इज लॉस्ट सर. व्हाट कंटिन्यूटी इज लॉस्ट? अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द क्लास. यू आर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस क्लास और स्पेशल क्लास? दिस क्लास और स्पेशल क्लास? He is not saying anything. There won't be flow of study. Rangaswami, it is not necessarily na. It aisa nahi hai. Agar aap mere se koi series chahenge, if you would like to have some video series, so I can continue a video series also. But if you would like to have some specific topics, I will create special classes for those specific topics also. So it is not necessary ki continuity chala jayega. ठीक है? हाँ, क्लास की कंटिन्यूटी की जहां तक बात है तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस क्लासिफिकेशन पार्ट एंड नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑन विद अ न्यू टॉपिक. सो नो कंटिन्यूटी विल नॉट बी ब्रेकन. ठीक है? इज इट ओके एवरीवन? इज इट ओके नाउ? शैल आई मूव ऑन? शैल आई मूव ऑन? एनीबडी हैज एनी डाउट अप अंटिल दिस पॉइंट, फील फ्री टू आस्क मी. ऐसा वाला डाउट भी चलेगा जैसा तपस्विनी ने पूछा, ऐसा डाउट भी चलेगा, प्रैक्टिकल डाउट भी चलेगा. ओके, यस. चलिए दोस्तों, अभी एंट्री करते हैं फ्यूजन वेल्डिंग पे. फ्यूजन वेल्डिंग पे एंट्री किया जाए. ठीक है दोस्तों, फ्यूजन वेल्डिंग जो है एक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है. फ्यूजन वेल्डिंग जो है एक लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है. फ्यूजन वेल्डिंग होता क्या है दोस्तों? फ्यूजन वेल्डिंग क्या मतलब है कि यहां पे एक फ्यूजन जोन एग्जिस्ट करेगा. देयर विल बी अ फ्यूजन जोन. अभी आई विल कंप्लीट दैट सीरीज, डोंट वरी. है ना, वो सीरीज अपन पूरी कंप्लीट करेंगे, रिज्यूम कर देंगे मंडे से एंड वी विल कंप्लीट दैट सीरीज. दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग में फ्यूजन जोन होता है. काम क्या हो, इस फ्यूजन जोन का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्यूजन जोन का मतलब होता है जहां पर मटेरियल मेल्ट करके फ्यूज कर जाए. फ्यूजन वेल्डिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस हीट. हीट सप्लाई किया जाएगा टू जॉइन और फ्यूज टू और मोर मटेरियल्स बाय हीटिंग देम टू मेल्टिंग पॉइंट. इतना हीट सप्लाई करेंगे कि मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के आपस में फ्यूज कर जाएगा और फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा. और सॉलिडिफाई हो गया तो भैया हमारा काम बन गया. द प्रोसेस मे और मे नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ अ फिलर मटेरियल. फ्यूजन वेल्डिंग में हम फिलर मटेरियल एक्सटर्नली यूज भी कर सकते हैं और कई बार यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. जब फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं तो दो जोन बनता है, टू जोन आर फॉर्म्ड. इसे कहते हैं फ्यूजन जोन और हीट अफेक्टेड जोन. अब ये होता क्या है, व्हाट इज फ्यूजन जोन एंड व्हाट इज हीट अफेक्टेड जोन? अगर आपको ये इमेज एकदम क्लियरली दिख रही है तो आपको मैं समझा पाऊंगा. ठीक है, देखते चलिएगा दोस्तों. ये जो है ये दो प्लेट्स हैं अपनी, दीज आर द टू प्लेट्स, राइट? दीज आर द टू प्लेट्स. ये ऐसा प्लेट रही होगी और इसके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे वेल्डिंग किया है. तो वेल्डिंग करने की वजह से हुआ क्या है कि मटेरियल जो है वो मेल्ट किया है और मेल्ट करने के बाद ये यहाँ पे दोनों का मटेरियल जो है मेल्ट करके मिक्सअप होके सॉलिडिफाई हो गया है और ये फ्यूज हो गया है एक तरीके से. दोस्तों ये जो वेल्ड वाला जोन है ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन जोन. इसी जोन को हम लोग कहते हैं फ्यूजन जोन. अब क्या होता है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा. आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर से बटर निकाल के खाई है? फ्रिज के अंदर से बटर जो होती है ना, अमूल बटर, उसको कभी निकालना या चॉकलेट निकालना, डेयरी मिल्क निकालना, फ्रिज के अंदर से जब डेयरी मिल्क निकालेंगे ना, वो एकदम हार्ड रहती है, सॉलिड रहती है, कड़ी. और वही जो डेयरी मिल्क है उसको थोड़े देर के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो वो हल्की सॉफ्ट हो जाती है. दोस्तों ये सेम चीज मेटल्स के साथ भी होती है, सेम चीज मेटल्स के साथ भी होती है. मेटल्स लो टेम्परेचर पे काफी हार्ड होते हैं, लेकिन जब उन मेटल्स को हीट दी जाती है तो उस हीट को गेन करके मेटल थोड़ा 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 सॉफ्ट होने लगता है. और अल्टीमेटली वो मेटल जो है इतना गर्म हो सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के वो लिक्विड पे कन्वर्ट हो जाए. सर एमटेक नैनो टेक्नोलॉजी लेना सही है प्लेसमेंट पर्पस से? यार बिल्कुल सही नहीं है. अगर प्लेसमेंट पर्पस से ले रहे हो
बिल्कुल भी नैनो टेक्नोलॉजी में एमटेक मत करो, लेकिन हाँ अगर तुमको इंटरेस्ट है कुछ नया पढ़ने का, कुछ नया सीखने का, तो बिल्कुल लो। और बेटा किसी चीज की कोई लिमिटेशन नहीं है, जमाना बदल रहा नहीं है, बदल गया है। आप प्लेसमेंट रेसमेंट में जानता हूँ यार, हर किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक सेट करियर चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छे नॉलेज के साथ कहीं अपना अच्छा करियर बना सकते हो। मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल लेता हूँ, उनका नाम शशांक शर्मा है। उसने IIT मैड्रास से ओशन थर्मल इंजीनियरिंग किया है, और ओशन थर्मल इंजीनियरिंग करने के बाद ही इज नाउ इन ऑस्ट्रेलिया। ही इज डूइंग हिज PhD इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, एंड द यूनिवर्सिटी हैज प्रॉमिस्ड हिम अ लेक्चरर पोजीशन फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, एंड ही इज अर्निंग रियली वेल, और वो बहुत खुश है ऑस्ट्रेलिया में, एकदम ऑस्ट्रेलियन गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भी उसने बना ली है, एकदम सेट है एकदम मामला, समझ रहे हो ना। तो आई एम सेइंग कि यार अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी ले रहे हो, तो उसको कुछ नया सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लो, और उसमें अपनी जान लगा दो भाई। एक्सप्लोर करिए कि नैनो टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है। मैं अगर IIT चले जाता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी लेके पढ़ाई करता हूँ, तो मैं कैसे वहां से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, मैं और ऊपर कैसे उड़ सकता हूँ, मैं वर्ल्ड के ऐसे जगह पे कैसे पहुंच जाऊं जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ट रिसर्च हो रहा होगा, उसके लिए स्ट्राइव करिए। ठीक है, आपको डेफिनेटली जो आप चाहते हैं मिल जाएगा। शशांक नहीं भाई, शशांक शर्मा यार, उसको मैं भी शशांक बोलता था। अभी तुमको कैसे पता यार कि उसका नाम शशांक है। सही कह रहा हूँ, देखो मेरा मेरे टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नाम शशांक सेव है। देखिए आई हैव सेव्ड हिज नेम एज शशांक। चलो अच्छा, मैंने पहले बताया है क्या? ओके। अच्छा मैं क्या कह रहा था, तो दोस्तों होता क्या है बताया, होता ये है कि ये जो फ्यूजन जोन बनाने के लिए ना, यहाँ पे तो बहुत हीट की जाती है, अ लॉट ऑफ हीट इज अप्लाइड टू दिस जोन, ताकि मटेरियल अपने मेल्टिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों कंडक्शन की वजह से यही हीट जो होती है ये प्लेट्स में भी डिसिपेट हो जाती है, ये हीट जो होती है ये प्लेट्स में डिसिपेट होती है दोस्तों, बाहर निकल के फैलती है, समझ रहे हैं। उस वजह से ये जो हीट है ये आसपास के एरिया को इफेक्ट कर देती है, और इस हीट की वजह से ये आसपास का एरिया सॉफ्ट हो जाता है, इट बिकम्स सॉफ्ट। किसके कंपैरिजन में सॉफ्ट दोस्तों, ये बेस मेटल जो है ना, ये जो प्लेट मेटल है ये हार्ड है, इसके कंपैरिजन में ये आसपास का एरिया सॉफ्ट हो जाता है, जो आपको डार्क ग्रे कलर में दिख रहा है। ठीक है, इस एरिया को दोस्तों कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, हीट अफेक्टेड जोन। तो जब भी हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं तो एक फ्यूजन जोन बनता है, और साथ में उसके आसपास में बन जाता है हीट अफेक्टेड जोन। अब ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल के लेक्चर में मैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको ग्रेन साइज का फेनोमेना समझाऊंगा, और ग्रेन साइज के फेनोमेना के बेसिस पे मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करना सिखाऊंगा, एंड विद दैट वी विल फर्दर एक्सीड, आगे बढ़ेंगे जहां पे हम लोग हीट सोर्स देखेंगे फ्यूजन वेल्डिंग का, और कल की क्लास में हम लोग चालू करेंगे फ्यूजन वेल्डिंग का पहला टाइप जो है आर्क वेल्डिंग, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट एंड EFT एग्जाम। ठीक है, तो भैया जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज हिट द लाइक बटन, और सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करिएगा, आस्क देम टू एटलीस्ट वॉच दिस कंटेंट, ताकि उनको पता चले कि पहला लेक्चर है वेल्डिंग का, अगर उनको चीजें समझ में आएंगी तो दे विल डेफिनेटली ज्वाइन अस इन टुमारोज लेक्चर। सो विद दैट नोट गाइज, आई विल बी साइनिंग ऑफ टुडे, और सेशन में जो लिंक पिन किया गया है कॉमेंट सेक्शन में, उसमें क्लिक करके एनरोल कर लीजिएगा, ताकि कल दोपहर 2 बजे की मीटिंग में आप सब लोग मौजूद रहें, और आप सबके कंट्रीब्यूशन से हमारा अगले वीक का एक ऐसा शेड्यूल बन सके जिससे आपका मेरा हम सबका बढ़िया से बेनिफिट हो सके।
So with that note, my dear students, I would like to tell you about the Unacademy Combat, जो कि 9th of May को मॉर्निंग में 11 बजे है. रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करते समय जाएंगे तो आपसे एक कोड मांगेगा, एक पासवर्ड मांगेगा. दैट पासवर्ड इज MMM10. MMM10 लगाकर Unacademy Combat के लिए एनरोल कर लीजिए. एक्साइटिंग प्राइजेस है आपके लिए. Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन पे एक्साइटिंग डिस्काउंट है, मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 100% है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एनरोल करना चाहते हो कॉम्बैट के लिए, तो अपने मोबाइल फोन का कैमरा उठाओ और जल्दी से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दो. आप डायरेक्टली कॉम्बैट में एनरोल कर पाओगे वाया द एप्लीकेशन ऑफ द कूपन कोड MMM10. कोड मत भूलना भैया, कोड मत भूलना MMM10. सर, नोट्स का PDF लिंक, आद्या तपस्विनी टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कस विद मनीष सर अन अकेडमी. इस ग्रुप को टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, 5 मिनट के अंदर अंदर इस लेक्चर का PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा. ठीक है दोस्तों, अन अकेडमी प्लस यूजर्स ने धमाल मचाया भैया 2021 गेट में. मैकेनिकल स्ट्रीम से, जो कि सबसे डिफिकल्ट स्ट्रीम है, उसमें टॉप 100 के अंदर 5 बच्चे रैंक ले आए हैं. इंजीनियरिंग साइंसेस और प्रोडक्शन दोनों में टॉप 100 में 10-10 स्टूडेंट्स ने रैंक अचीव किया है. क्या मिलता है ऐसा प्लस सब्सक्रिप्शन पे जो बच्चे ऐसा अचीव कर लेते हैं भाई? सबसे पहली चीज, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस. यूट्यूब की तरह डिले नहीं कि मैंने बोला फिर अब देख रहा हूं कि अब आएगा कमेंट को कैसे मैनेज करते हैं. अरे रवि सोनी भाई, यूट्यूब पे आराम से सर्च करना ना, मिलेगा सब कुछ. मेरे से पढ़ लेगा क्या? थोड़ा रिसर्च करेगा, थोड़ा सा पता करेगा, रेलवे में नौकरी लगाएगा, वहां जाके मेहनत करके समझेगा प्रोसेस को, तब तो मजा आएगा. फल खाएगा सिर्फ, है ऐसा थोड़ी होता है. चलिए, Unacademy पे आपको मिलेंगे दोस्तों प्लस पे Unacademy के टॉप एजुकेटर्स. इसके अलावा आपको मिलेगा बैचेस फॉर सिलेबस कंप्लीशन. यू विल गेट टेस्ट सीरीज टू ट्रैक योर प्रिपरेशन. यू हैव द शेड्यूल विच विल बी परफेक्टली सूटेबल फॉर यू, क्योंकि वो आपने अपने हिसाब से टेलर्ड बनाया होगा. लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में हिंदी इंग्लिश सब एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उसको गुजराती तमिल तेलुगु में भी पढ़ा रहे हैं. ठीक है, लर्न एनी टाइम एनी वेयर. You have the liberty to have your phone sitting on right in your toilet and studying at Unacademy Plus. My dear students, the interaction with your educator is almost classroom like, where you have the ability to answer live polls, to get your doubts cleared, and you have live tests and quizzes and PDF learning material downloadable at the click of a button. So with that, many offers experiences, Unacademy Plus is one of the best out there. Iconic subscription जो है वो प्लस से भी बेटर है दोस्तों. इसमें आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ मिलेगा आपको एक पर्सनल कोच जो आपके स्टडी सेशंस प्लान करेगा, बूस्टर सेशंस अरेंज करेगा. He will be personally analyzing your test series and you will be getting preparatory study material. My dear students, Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन एक महीने के लिए सिर्फ 5500 का है, और एक साल के लिए इट ओनली फॉर 30,000 rupees, whereas for 24 months इट कॉस्ट यू 44,000. लेकिन अगर आपने परचेजिंग के टाइम MMM10 कोड लगा दिया, तो भैया आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सभी सब्सक्रिप्शन पे. 30,000 का सब्सक्रिप्शन मात्र 27,000 रुपए में. दोस्तों, इससे बेटर इकोनॉमिकल वैल्यू, इससे बेटर इन्वेस्टमेंट आप अपने फ्यूचर में नहीं कर सकते. ठीक है, सो गाइस, गो अहेड, टेक ऑन द Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन. द आइकॉनिक हैज द सेम बेनिफिट्स, 12-24 महीने का सब्सक्रिप्शन, MMM10 कोड लगा के 10% डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल जाएगा. So with that note, my dear students, I will be signing off today. Don't forget to like the video, share it, subscribe the channel and hit the bell notification icon for future notifications of my classes. I will see you all tomorrow at 2 p.m. with our meeting, and at 9:15 p.m. on this very YouTube channel with the continuation of today's lecture. Bye-bye, take care, good night. Enjoy.